दोस्तों, भारत देश के अंदर लाखों करोड़ों अभ्यर्थियों का सपना रहता है रेलवे में जाने का। वो इंतजार करते भी है कि कब भर्ती आए रेलवे के अंदर, और सालों हो गया है कोई भर्ती नहीं आई है। काफी अभ्यर्थी जो अभी से क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, बार बार पूछ रहे हैं, सर रेलवे आरपीएफ के बारे में कुछ हमें बताइएगा। पहली बार हम एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमें रेलवे की वर्दी लेनी है, आखिर आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल कैसे बनते हैं, सब इंस्पेक्टर एसआई कैसे बनते हैं, क्या एग्जाम्स पैटर्न है, एज लिमिट, फिजिकल, तो थोड़ा हमें बताइएगा। एंड वैकेंसी कब आ रही है आरपीएफ की, इसके रिलेटेड भी थोड़ा हमें आइडिया दे दीजिए। तो दोस्तों, यह महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी आपके लिए। रेलवे आरपीएफ नई वैकेंसी के बारे में एसे और जेड तक सारी बातें कर लेते हैं, बिना टाइम गवाए बोर्ड पर ध्यान देना। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और बताइए दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पोस्टर में देख ही लिया है, यह वीडियो आरपीएफ नई वैकेंसी के बारे में होगा, तो आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। ठीक है, लाइक का बटन दबा दिया करो। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो एक बार अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। देखिए भैया जी, बात कर रहा हूं रेलवे आरपीएफ न्यू वैकेंसी 2023। आरपीएफ की फुल फॉर्म तो आप जानते ही होंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स इसकी फुल फॉर्म होती है, इसे हम रेलवे सुरक्षा बल भी कहते हैं। नोटिफिकेशन 2023 की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा आरपीएफ कांस्टेबल के बारे में। तो अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल बनना है तो यहां ध्यान दीजिए, टोटल पदों का अगर जानकारी दी जाए दोस्तों तो 10,000 प्लस वैकेंसी है, क्योंकि काफी साल हो गया है भर्ती नहीं आई है, खाली पड़े हैं बहुत ज्यादा जो है पद। आपके 10,000 प्लस तो अनुमान है कांस्टेबल का। फीस बता देता हूं, जो पहली बार कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का फॉर्म अप्लाई करता है तो उनको रेलवे में आप फॉर्म जब अप्लाई करोगे, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस 500 रुपए चार्ज लगेगा, एससी एसटी पीएच फीमेल 250 रुपए। फॉर्म में कोई गलती कर देते हो तो उसको एडिट कर सकते हो 250 रुपए आप चार्ज देकर। ठीक है, एज दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल की बात कर रहा हूं, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस 18 वर्ष से 25 वर्ष है, ओबीसी 18 वर्ष से 28 वर्ष, एससी एसटी पीएच फीमेल 18 वर्ष से और 30 वर्ष है। लेकिन काफी साल बाद वैकेंसी आ रही है तो सभी कैटेगरियों को 2 से 3 साल तक की एज में जो है छूट दी जाएगी, आप घबराए नहीं। क्वालिफिकेशन 10वीं पास है कांस्टेबल के लिए। यह हुआ कांस्टेबल की बात। दोस्तों, अगर आपको बनना है आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर, तो सब इंस्पेक्टर की भी यही वैकेंसी का अनुमान है कि 10,000 प्लस आएंगी, बाकी कांस्टेबल की ज्यादा आएंगी दोस्तों और एसआई की थोड़ा कम आएगी। एज अगर देखा जाए अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस की 20 वर्ष से और 25 वर्ष, एसआई की एज थोड़ा मिनिमम ज्यादा है दोस्तों, यहां 18 वर्ष थी या 20 वर्ष है। ओबीसी 20 वर्ष से 28 वर्ष, एससी एसटी पीएच फीमेल 20 वर्ष से 30 वर्ष। क्वालिफिकेशन दोस्तों एसआई में ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, बीए बीएससी बीकॉम किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने स्नातक की डिग्री ले रखी है तो आप एसआई बन सकते हो। नहीं है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री तो आप कांस्टेबल भी बन सकते हो, बेहतरीन चांस है 10वीं पास के लिए। नेक्स्ट दोस्तों बातें कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो सबसे पहले इसमें रिटन एक एग्जाम्स होगा, रिटन एग्जाम्स को जैसे ही क्वालिफाइड कर जाओगे नेक्स्ट स्टेप फिजिकल होगा। तो सबसे पहले रिटन एग्जाम्स की बात करूं, एग्जाम सिलेबस कांस्टेबल और एसआई सेम एक जैसा है, कोई भी अंतर नहीं है मेरे भाई, चाहे आप कांस्टेबल की एग्जाम दे लेना चाहे आप एसआई की दे लेना। 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 अंक के रहेंगे, 90 मिनट का टाइमिंग रहेगा, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहती है। अब दोस्तों आपको आरपीएफ में जाना है तो जीके पर सबसे ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि जीके का इसमें वेटेज ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं जीके जनरल साइंस करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चन आएंगे जो 50 मार्क के रहेंगे। नेक्स्ट रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क, मैथ्स अर्थमेटिक आती है 35 क्वेश्चन 35 मार्क, ये इसका एग्जाम सिलेबस है कांस्टेबल एंड एसआई दोनों का। सीबीटी एग्जाम्स होता है कंप्यूटर पर, एग्जाम्स का मोड हिंदी इंग्लिश अदर लैंग्वेज में भी होगा, जौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहो उसमें दे सकते हो। यह हुआ दोस्तों एग्जाम सिलेबस।
कहीं कंफ्यूज में मत रह जाना, बहुत सारे अभ्यर्थी इधर उधर सर्च मारते हैं कि रेलवे में कॉन्स्टेबल का एग्जाम सिलेबस क्या है, एसआई का एग्जाम सिलेबस क्या है, कोई अंतर नहीं है, सब एक जैसा है। सैलरी जान लीजिए दोस्तों, सैलरी जब देखोगे ना आप, आंखें फटी की फटी रह जाएगी, भाई साहब खतरनाक सैलरी है, तभी तो लाखों करोड़ों युवा इंतजार कर रहे हैं। देखिए आप, कॉन्स्टेबल की मैं बिल्कुल न्यू सैलरी बता रहा हूं, मेरे जान पहचान वाला है, उन्होंने मेरे को बताया कि इन हैंड सैलरी भाई साहब 40-42 हजार रुपए आ रही है वर्तमान टाइम में कॉन्स्टेबल की। एसआई की 60 हजार प्लस सैलरी है, इसके अलावा सेंट्रल की नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, स्टेट लेवल नहीं है कि स्टेट लेवल आप पुलिस में बन गए कॉन्स्टेबल तो वहां कोई ड्यूटी का ही टाइम फिक्स नहीं है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई सभाएं हो रही है, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे ड्यूटी लग रही है, कब बुला ले कोई पता नहीं, खाना खाए इतनी देर में फोन आ जाए, ऐसा होता है स्टेट लेवल पुलिस में। लेकिन यहां फिक्स टाइम है मेरे भाई, अगर एक्स्ट्रा भी आपकी ड्यूटी लगाई ना तो पैसे मिलते हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है, एक्स्ट्रा अलाउंस बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, आपको सब पता है। रेलवे में बच्चे हो जाएंगे या पर बच्चे हैं आपके तो उनकी स्कूल की फीस फ्री है, रहने के लिए क्वार्टर्स दिए जाएंगे, टीएडीए कटेगा, दोनों चीज आपकी, मेडिकल सुविधाएं, परिवार का कोई भी सदस्य अगर बीमार हो जाता है तो रेलवे हॉस्पिटल में उसका फ्री इलाज चलता है, तो जिंदगी बन जाती है दोस्तों। आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि लग जाइए बस। सब बात करूं दोस्तों आरपीएफ कॉन्स्टेबल फिजिकल टेस्ट की, कॉन्स्टेबल की बातें करेंगे पहले, रनिंग दौड़ इसमें लगवाई जाएगी, पुरुष अभ्यर्थी की 1600 मीटर की दौड़ होगी जो 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर पूरी करनी है, कॉन्स्टेबल की बात कर रहा हूं। ये जो टाइम है ना दोस्तों, विभिन्न सोशल मीडिया पर अफवाहें हैं इसको रिलेटेड, बच्चे कंफ्यूज में रहते हैं, कहीं 6 मिनट का टाइम है क्या, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम होता है क्या? दोस्तों रियल टाइम आपका कॉन्स्टेबल का यही ही है 1600 मीटर। महिला अभ्यर्थी 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। हाई जंप जिसे हम ऊंची कूद भी कहते हैं, हाई जंप पुरुष अभ्यर्थियों का 4 फिट, महिला अभ्यर्थियों का 3 फुट होता है। लॉन्ग जंप मेरे भाई जिसे हम लंबी कूद कहते हैं, पुरुष अभ्यर्थी 14 फिट और महिला अभ्यर्थी 9 फुट। आपको हाई जंप और लॉन्ग जंप मारने के लिए 3 चांस दिया जाएगा। अगर पहले चांस में आपको जो है 4 फिट नहीं कुदक सकते तो दूसरा चांस दिया जाएगा, 3-3 चांस दिए जाएंगे, दौड़ में कोई चांस नहीं मिलेगा, केवल एक बार आपको दौड़ मारना है। ये हुई कॉन्स्टेबल की बात। आरपीएफ एसआई फिजिकल टेस्ट की बात कर लेता हूं तो दोस्तों इसमें भी आपकी रनिंग होगी, दौड़ तो होगी, दौड़ की लंबाई आपकी वही 1600 मीटर की रहेगी पुरुष अभ्यर्थी एसआई की बात करूं, लेकिन मेरे भाई यहां पर टाइम ज्यादा दिया जा रहा है, 1600 मीटर दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड, यहां आपको 6 मिनट 30 सेकंड दिया जा रहा है। अब टाइम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें एज लिमिट थोड़ी ज्यादा है, यहां पर थोड़ा बुजुर्ग आदमी जाएंगे, यहां पर थोड़ी युवा जाएंगे, कहने का मतलब यही हुआ, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इस वजह से आयु सीमा ज्यादा होने के कारण आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल रहा है। महिलाओं को भी टाइम ज्यादा है, 800 मीटर के लिए 4 मिनट एसआई में और आपके कॉन्स्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड। हाई जंप में भी कहीं ना कहीं छूट है, पुरुष अभ्यर्थी एसआई 3 फुट 9 इंच और आपकी महिला 3 फुट। लॉन्ग जंप पुरुष अभ्यर्थी 12 फिट और महिला 9 फिट, आपका 3 चांस इसमें भी दिए जाएंगे। यह हुई आरपीएफ कॉन्स्टेबल एंड एसआई फिजिकल की बात। अब दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन दोस्तों एक तो आपकी हाइट है और एक चेस्ट है, हाइट और चेस्ट बराबर है दोनों पदों के लिए। तो दोस्तों आरपीएफ कॉन्स्टेबल एसआई पीएसटी जिसे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी कहते हैं, इसमें आपकी हाइट मापी जाएगी, पुरुष अभ्यर्थी 165 सेंटीमीटर और अगर आप एससी और एसटी के अभ्यर्थी हो तो 162 सेंटीमीटर लंबाई चाहिए, चाहे आप कॉन्स्टेबल बन जाना चाहे आप एसआई बन जाना। महिला अभ्यर्थी लंबाई 157 सेंटीमीटर जनरल के लिए, बाकी एससी एसटी 152 सेंटीमीटर, यह आपकी हाइट रहेगी। चेस्ट केवल पुरुषों का मापा जाएगा, 80-85 सेंटीमीटर जनरल का, एससी और एसटी के अभ्यर्थी हैं तो यहां पर 76.2 से 81.2 सीना आपका देखा जाएगा, बाकी जो शहरिया इलाके के अभ्यर्थी हैं उनको तो और भी छूट रहती है इसमें भी। ये आपका दोस्तों फिजिकल का क्राइटेरिया रहेगा रेलवे में एसआई एंड कॉन्स्टेबल का। अब बात आती है दोस्तों, ये तो हम गूगल पर भी देख लेते, यूट्यूब पर काफी वीडियो पड़ी है वो भी देख लेते, आपने इसमें क्या नया बताया है, आपके दिमाग में जरूर आएगा ख्याल,
दोस्तों 2023 में वैकेंसी आनी है 100%, चाहे आप लिख कर ले लो चाहे कैसे भी ले लो, नहीं आई तो 2024 में चुनाव भी है और मिशन मोड के तहत वादा किया है खाली पड़े हैं रेलवे में पद। तो लास्ट 2023 का टारगेट अगर बनाए, मैं तो लास्ट 2023 की बात कर रहा हूं दिसंबर की, तो आपको कितना महीना है पढ़ने के लिए? 12 महीने में से 3 महीने तो निकाल दीजिए, जनवरी फरवरी मार्च में आप निकाल दीजिए, मार्च के बाद 9 महीने का आपके पास समय है। अब दोस्तों ये 9 महीने है ना, ये आपको आरपीएफ कांस्टेबल भी बना सकते हैं, आरपीएफ एसआई भी बना सकते हैं, और इन 9 महीने आपने इंतजार किया कि नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, तो कभी भी सपना मत देखना कि आपको आरपीएफ की वर्दी मिल जाए। 9 महीने प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, कॉम्पिटिशन इतना खतरनाक है मेरे भाई, टूट पड़ेंगे युवा, करोड़ों युवा फॉर्म अप्लाई होता है इसमें, लाखों अभ्यर्थी कम से कम कॉम्पिटिशन में होता है। तो इन 9 महीने में आपको यह प्लानिंग करना होगा, एग्जाम सिलेबस कवर करना होगा, एंड फिजिकल के बारे में तो आपको बता दिया है, अगर आपकी बॉडी फिट है इन चीजों को लेकर तो शानदार नौकरी है मेरे दोस्त, रेलवे में बेल्ट की नौकरी है, जिंदगी बन जाती है। आपको सब पता है जब आपने रेलवे में सफर किया होगा क्या वीवीआईपी नौकरी होती है आरपीएफ की। तो कहीं ना कहीं आपके लिए मोटिवेशन है कि वैकेंसी आनी है 2023 में, लग जाइए दोस्तों पढ़ाई करने, और आपको इस भर्ती के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो इंस्टा और व्हाट्सएप पर संपर्क कर लेना। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना, बने रहिए दोस्तों अभिषेक क्लासेस के साथ, पल पल की अपडेट यहां पर दी जाती है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।